नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। खबर मध्य प्रदेश के जिला सीधी से है। सीधी जिले की करवाही गांव, जिसे सांसद रीति पाठक ने 5 वर्ष पूर्व गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया था, वह गांव आज मूलभूत सुविधाओं का मोहताज है। जिस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाना था, वह आज साधारण ग्राम से भी बदतर स्थिति में पहुंचकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उक्त आशय का आरोप हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लालचंद्र गुप्त ने मीडिया के समक्ष व्यक्त किए। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी छोड़कर हमने एक बड़ा कारण सांसद का भ्रष्टाचार भी है। उन्होंने कहा कि करवाही गांव में 11,06,000 का वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया। पूरी की पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 11 लाख का समतलीकरण भी कागज में कराया गया है। सीधी से हमारे संवाददाता कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। और लिया है भैया, वो भी लउआ। हमको ध्यान है, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में जिले का नेतृत्व कर रहा था। उस समय बात आई कि देश के जितने अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो अपना अगर महिला है तो मायका और सासुर छोड़ के, और अगर पुरुष है तो अपने निजी संबंधियों का गांव छोड़ के एक ऐसा गांव नमूनों के रूप में, मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे जो इस संसदीय क्षेत्र की जनता को दिखे। लेकिन क्या दिख रहा है, ये चारों तरफ आप लोगों ने देख लिया। अभी स्कूल में गए थे, 11 लाख रुपए का वो समतलीकरण है। यहाँ बगल में पहले उसको बनाया गया कि स्टेडियम बनेगा, मिट्टी निकाली गई, फिर स्टेडियम के बाद तालाब बनाया गया। नहीं, स्टेडियम नहीं, तालाब। ये सामने बिल्कुल हॉस्पिटल के बगल में बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है मित्रों। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। लेकिन महिलाएं आगे कोई छवारी से, कोई सूखी बंगूवर से, अभी आप लोग ले रहे थे उनके भाई, वो आगे खड़ी है, दवाई देने वाला नहीं है, और वो कहते हैं कि अभी छुट्टी है, अभी नहीं मिलेगी दवाई। ये स्थिति आपके सामने है। ये इस तरह का पूर्व में कितना जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, सारी स्थिति आपके सामने है। इसका तो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद हम लोग प्रयास करेंगे किस आदर्श गांव में कितने पैसे निकले हैं और किस किस मद में कितना पैसा खर्चा हुआ है। एक बड़ा भ्रष्टाचार अगर आपको देखने को मिलेगा, ये करवाही आदर्श ग्राम में निकले। ये आदर्श नहीं, इसको तो नर्क ग्राम कह लिया जाए। हमको देखने को कुछ नहीं मिला कि कुछ ऐसा आदर्श उन्होंने कर दिया हो कि पूरे संसदीय क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। रेल रेल की बात होती है, रेल रेल से पेट भर जाएगा क्या? भर जाए तो बताइए, रेल से पेट नहीं भरेगा। 2012 से और आज 2019 में हम प्रवेश कर रहे हैं। सीधी से सिंगरौली ये रोड नहीं दिखती। आदरणीय सांसद जी ये बता दें कि मैंने लोकसभा में कितनी बार क्वेश्चन किया है, 2012 से 2019 ये नहीं दिखता। सीधी शहर में आप सब रहते हो, ये तो करवाही में खड़े हैं, आदर्श ग्राम है। सीधी शहर में 2.5 महीने में अगर कांग्रेस पार्टी ये दिखा सकती है कि 3 एकड़ जमीन निकाल के पार्किंग के लिए नगर पालिका को दे दी जाए, तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। गोपाल दास की पुल अभी तक पड़ी है, अब हमको आशा लग रही है कि अब बनेगी। पड़ी है गोपाल दास पुल के कारण वो सड़क जितनी रुकी है, रुकी पड़ी। ये विकास के नमूने हैं। विकास की बात करते हैं लोग कि विकास विकास विकास, उनसे जब पूछा जाए, मुझको ध्यान है मैं संगठन का अध्यक्ष था, लिख के अभी भी मेरे पास कॉपी रखी है, वो लिख के आया था कि सांसद और विधायक सभी अपना हिसाब दें कि अपने मद से मैंने कितना खर्चा किया है और किन किन पंचायतों में कितना पैसा लगा है। मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि 5 साल में 25 करोड़ सांसद जी को मिला होगा और 25 करोड़ का श्वेत पत्र जारी कर दें कि किन किन पंचायतों में मैंने कितना पैसा दिया है विकास के नाम। मैं मान जाऊंगा कि कहां कहां खर्चा किया है। टैंकर की बात होती है, टैंकर की बात आप देख लो, 90,000-80,000 रुपए का टैंकर, कहीं 1,80,000, कहीं 2,60,000 ऐसा पेमेंट हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि नगर पालिका और पीएचई में पुराने टैंकर पड़े हैं, अगर इसकी गुणवत्ता देखनी हो
तो आज भी इनके टैंकर और वो टैंकर कॉल करा लिए जाए, सारी गुणवत्ता सामने आ जाए, सारा कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ कार्रवाई में देख रहे हैं कि WBM दूध और माटी में पैसा उड़ गया, कितने की सड़क गए इसको मैं मालूम कर लूंगा, तब तो आपके बीच आऊंगा चुनाव के बाद, फिर मैं बोलूंगा सारा एक एक रिकॉर्ड इसका निकलवाऊंगा कि कहाँ पैसा कितना गया। ये जनता के बीच आना चाहिए, ये जनता का एक भी मुझको ध्यान है कि हम लोग संगठन में काम कर रहे थे, बैठक हो रही थी हम लोगों की, ये पूछा गया कि सांसद एक ऐसा कोई काम बताएं अपने मत से जो आगामी चुनाव में वो दिखा के वोट पाए।